हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सचिन चोपड़े। इस वीडियो में हम फूलन के बारे में जानकारी देंगे। फूलन कैसे क्या बनाया जाता है, फूलन के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं और कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है, इस वीडियो में वही हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको फूलन कैसे क्या बनाया, मेकिंग कैसे क्या किया जाता है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है आपका फूलन बनाने का डीएम वाटर। भी आपको लगेगा 7 से 0 तक के पीएच, 7 से 0 तक के कूलन के लिए बहुत अच्छा वाटर माना जाता है, क्योंकि कूलन रस्ट प्रूफ रहना चाहिए। सबसे पहले तो अपना जो वाटर रहता है, सबसे पहले वही उसी से पूरा मिनरल्स हटाया जाएगा, तो तभी जाके वो कूलन अच्छा काम करेगा। इंजन चोकअप नहीं करेगा, इंजन के अंदर जो ब्लास्ट होता है सिलेंडर के अंदर, वहाँ से फ्लो किया जाता है, तो फ्लो में कहीं पे ये नहीं होना चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। उसके लिए डीएम मोटर सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है आपके लिए। कूलेंट बनाया जाता है डीएम मोटर सबसे पहले इंग्रेडिएंट वाला, फिर उसके बाद में आपको लगेगा ग्लाइकोल। इसलिए ठंडक के लिए ग्लाइकोल जरूरी रहता है, जमना नहीं चाहिए। मतलब ग्लाइकोल ऐसी चीज़ है कि आप ठंडी में जाएंगे माइनस टेम्परेचर में तो वहाँ पे जमता नहीं है, इसलिए ग्लाइकोल जरूरी है। दूसरा इंग्रेडिएंट है कूलेंट कलर भी ऐसे होना चाहिए कि वो हाथ में नहीं लगना चाहिए। जैसे अभी ये कलर लगा है, ये बोतल में नहीं लग रहा है, बोतल में कहीं नहीं लग रहा है, ये बोतल से पूरा हट जाता है। तो मतलब कूलेंट कलर भी अच्छा रहना चाहिए, हाथ में भी नहीं लगना चाहिए। ये देखिए, मैंने अभी बोतल खोला, अभी ये कूलेंट हाथ में लिया, आपके सामने गीला किया, आपको हाथ में लगा ऐसे दिख रहा है क्या कि ये कूलेंट नहीं, ये कूलेंट कलर सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्वालिटी उसमें भी बनती है। और ग्लाइकोल, फिर उसके बाद में है जेल भी जरूरी है। फिर आप कौन से भी कलर में बना सकते हैं, ग्रीन, रेड या ब्लू, आप कोई भी कलर में बना सकते हैं। पैकेजिंग ये कर सकते हैं, पैकेजिंग में अच्छे खासे, मतलब अच्छे क्वालिटी वाइज डब्बे लेना, और ये भी रस्ट प्रूफ रहना चाहिए आपका, ये भी गलना नहीं चाहिए पानी की वजह से। एल्युमिनियम, कुछ एल्युमिनियम गलते हैं, क्योंकि आज के डेट में लोकल एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा आ गया है मार्केट में, तो एल्युमिनियम भी सही रहना चाहिए, डब्बा भी अच्छा रस्ट प्रूफ रहना चाहिए। तो आपका कूलेंट पकड़ लीजिए, 5 साल भी रखते हो तो आपका कूलेंट कभी ख़राब नहीं होगा ऐसी पैकेजिंग में। कार में एक सबसे बड़ी एक चीज़ बताता हूँ मैं कि 10 लाख रुपए की कार लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी का कूलेंट प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो कस्टमर अपने भरोसे पे लेके जा रहा है, तो उसको अच्छी क्वालिटी देना बनता अपन को ही है। तो आप ध्यान रखिए, कूलेंट बनाने के लिए ये 3 चीज़ें जरूरी रहना चाहिए। सबसे पहले डीएम वाटर, कूलेंट कलर और ग्लाइकोल। ग्लाइकोल सबसे अच्छा रहना चाहिए, ग्लाइकोल में भी कॉन्सेंट्रेट प्रमाण आता है। ग्लाइकोल चेक करना है तो आप हाइड्रोमीटर से चेक कर सकते हैं ग्लाइकोल को, या उस ये हाइड्रोमीटर रहता है, इससे ग्लाइकोल टेस्ट होता है, यह हाइड्रोमीटर का फ्लोट है, इससे ग्लाइकोल टेस्ट होता है। तो कूलेंट और इसका भी एक दिन मैं पूरा मेकिंग प्रोसेस बताऊँगा। वीडियो तो है, मेरा वाला वीडियो है मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हुए, ये प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं तो उसका वीडियो है, तो आप देख सकते हो वो भी वीडियो। और आने वाले दिनों में मैं मेकिंग करके दिखाऊंगा। हम 50,000 प्रोडक्ट का कुछ ये लाइव डेमो करने जा रहे हैं। डीएम वाटर और डिस्टिल वाटर से 50,000 प्रोडक्ट कैसे क्या बनाए जाते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो ये पूरी जानकारी देंगे आने वाले दिनों में। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक जरूर करना दोस्तों। चलो नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको।